गुड मॉर्निंग आलापियो, टुडे आई शैल टीच यू अबाउट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अगला पार्ट जिसमें दिया हुआ है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह कक्षक के अंदर होता है, ऑर्बिट के अंदर होता है और वहाँ पर वह उसको वह स्पिन करता है, वह मोमेंट करता है। तो इस तरह से वहाँ पर एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है और तो उस एंगुलर मोमेंटम में कुछ स्पिन की वजह से है ना, कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जे कपलिंग होता है, सेलेक्शन रूल होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैं आपके हवाले करूँगा। इसको देखिएगा, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कक्षक कोणीय संवेग क्या होता है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट्स ऑर्बिटल राउंड द न्यूक्लियस पॉजेस एन एंगुलर मोमेंटम विच इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका तात्पर्य है कि एक इलेक्ट्रॉन जो मूविंग कर रहा हो इन इट्स ऑर्बिटल राउंड द न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर। ऑलरेडी ऑन दैट आप पहले से भी जानते हैं कि जो एटम होता है वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के सराउंडिंग में स्पिन करता है। तो यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट्स ऑर्बिटल राउंड द न्यूक्लियस पॉजेस एन एंगुलर मोमेंटम विच इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो मूविंग कर रहा हो इन इट्स ऑर्बिटल राउंड द न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर मूविंग कर रहा हो पॉजेस एन एंगुलर मोमेंटम, वह एक प्रकार का एंगुलर मोमेंटम पोजेस करता है जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अभी हम आपको यह भी बताएंगे कि यह कैसे निकाला जाता है और यह कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इशू करेंगे, आपको बताएंगे। ए मेजर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाई एल वैल्यूज करेस्पॉन्डिंग टू द ऑर्बिटल। ए मेजर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो मेजरिंग की जाती है उसे हम एल वैल्यूज के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल अंडर रूट एल एल प्लस वन डॉट एच अपॉन टू पाई, ये फॉर्मूला होता है, मीन्स उसका एक फॉर्मूला होता है। और जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस वन डॉट एच अपॉन टू पाई, वेयर एल इक्वल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर चार प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे पहला क्या था भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, इसमें आपने कहा कि इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर ही अंश प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसका मान जो होता है जीरो एक दो तीन चार पाँच छः, जीरो क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात होता है, यह कोशों की संख्या को बताता है, है ना, और इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस से भी प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है यानी किसी भी कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वह टू एन स्क्वायर के अनुसार भरा जाता है कि नहीं, यह तरीका इसका होता है। तो उसी तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल अंडर रूट एल एल प्लस वन डॉट एच अपॉन टू पाई, वेयर एल इक्वल टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एच इक्वल टू प्लैंक का कांस्टेंट 6.636 गुणते 10^-34 जूल सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एल इज ऑलवेज जीरो आर पॉजिटिव वैल्यू एंड हेंस एल। एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी एल, जो एंगुलर मोमेंटम होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, एल है, इज ऑलवेज जीरो आर पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं आया,
द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल प्रोवाइड टू एल प्लस वन रोल, है कि नहीं? तो आपको हम बता दें कि इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है, या इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में पड़ा हुआ है तो वह अपने ऑर्बिटल के अंदर जो मोमेंट कर रहा है उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का मान क्या होगा। ये तरीका मतलब कि ये अंडर रूट एल एल प्लस वन डॉट एस अपॉन टू पाई। और आपको एक चीज और भी बता दें कि मोमेंटम तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह आपकी एक्सिस होती है और यह एक्सिस की मूल बिंदु जीरो है, ठीक है? क्या है? एक्सिस की मूल बिंदु जीरो है और कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है। कैसे कर रहा है? इधर से इधर। तो आप इसको जानते हैं कि इधर वाली जितनी भी वैल्यू होती है वह क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और इधर वाली जितनी भी वैल्यू होती है वह सारी चीज़ें क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं ना। तो पॉजिटिव इधर होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर ऐसे है कि नहीं, और इस तरह से यहाँ ना, तो किस तरह से कैसे घूम रहा है? प्लस हाफ, जैसे मान लीजिए यहाँ ना प्लस हाफ माइनस हाफ, या मान लीजिए प्लस वन, तीन कक्षक जैसे पी में है तो ये प्लस वन हो जाएगा, फिर इधर जीरो, फिर इधर क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। तो ये उसका मोमेंट का तरीका है। माने कि वह जिस एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में जैसे ही जाता है, जैसे पी ऑर्बिटल की बात करते हैं हम, है ना, किसकी बात करें? हाँ, पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन होते हैं ना, और एक यहाँ पे प्लस वन जीरो, और यहाँ क्या हो गया? माइनस वन हो गया। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे मोमेंट करेगा तो प्लस वन जीरो माइनस वन हो जाएगा ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल आप देखिएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ठीक है, उसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है, कैसे करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि आपका सिस्टम है P2, या मान करके चलिए उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी आई एच टू ओ का होल सिक्स थ्री टू। उसने कह दिया कि टी आई एस टू का होल से थ्री प्लस का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए क्या होगा, ऐसा दे दिया प्रॉब्लम में ना। तब आप कैसे इसको हल करेंगे, इसको देखिएगा। इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि इसका सिस्टम क्या है, माने यह क्या देता है, किस तरह का इसका सिस्टम है ना भाई। तो आप देखिए टी आई है जैसे, तो टी आई का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप, तो टी आई एच टू ओ का होल सिक्स थ्री प्लस है। अब इसमें करते क्या है, हम इसे हम एक्स मान लेते हैं सिक्स, और ये जीरो बराबर क्या गया प्लस तीन, तो x प्लस जीरो बराबर प्लस थ्री, तो x बराबर क्या आ गया प्लस थ्री। तो यहाँ पर हमने यह पाया कि जो आपका टाइटेनियम है, स्कैंडियम टाइटेनियम 21-22 है ना, तो 22 जो टाइटेनियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया प्लस थ्री हो गया। अब इसका प्लस थ्री का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4 years 2, 20 हो गई है। अब अभी दो बाकी हैं तो 3D 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 3D 2 हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि 3 यहाँ से निकला हुआ है, तो 3 यहाँ से निकलने का मतलब, तो यहाँ पे 4 एनर्जी लेवल है, 4 एनर्जी लेवल जो कि आउटर एनर्जी लेवल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d1, ना? ये तरीका हो गया। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 2, 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 किसके लिए है? आर्गन के लिए, यार मैंने कर दिया, और फिर क्या कर दिया, 3d1, आर्गन करके मैंने क्या कर दिया, 3d1 कर दिया, यानी इसमें से 3 निकल चुका है। अब यहाँ पे जो सिस्टम बन रहा है वह क्या बन गया, D1 बन गया। सिस्टम क्या बन गया भाई, D1 का सिस्टम बन गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही यह D1 सिस्टम बनेगा, अब मैं तुरंत इसका क्या निकालूंगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यानी हमारे पास सिस्टम जो मिला है वह D1 मिला है, और इसका क्या निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये हमें प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ना, यानी L, यहाँ आप इसे लिख सकते हैं L, ठीक है। अब यहाँ पर आप यह देखिएगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर होता क्या है, है ना, तो L बराबर अंडर रूट, है ना, म्यू L मोमेंटम, है ना, म्यू L अंडर रूट L, L प्लस 1, ये तो एंगुलर मोमेंटम है, बट जैसे ही हम H अपान 2π लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यानी एंगुलर मोमेंटम तभी होगा जब हम H अपान 2π लगाते हैं। ऑर्बिटल मोमेंटम केवल होता है कब, जब इसमें हम अंडर रूट L, L प्लस 1 H अपान 2π लगाते हैं, ना, इस इसका ख्याल रखिएगा। अब देखिए होता क्या है कि म्यू L बराबर, अब यहाँ पर D जो सिस्टम था, आप इसको ऐसे देखिए, D में 5 ऑर्बिट होते हैं, वो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये होता है +2, +1, 0, -1, -2, तो यहाँ पर D1 का मतलब इलेक्ट्रॉन ये है आपका DXY, DYZ, DZDX, DX2Y2 और DZD2, ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। क्या हो रहा भाई, +2 हो रहा है, ना? तो हम करेंगे क्या, इसमें हम 2 रख देंगे, फिर 2+1 कर देंगे, और यहाँ डॉट या चपान 2π कर देंगे, तो यह इस तरह से क्या हो गया, म्यू L बराबर अंडर रूट 2 और यहाँ 3 डॉट या चपान 2π हो गया, ना? अब यहाँ पर होगा क्या, इधर देख लीजिए, इस बार म्यू L बराबर ये अंडर रूट 2 × अंडर रूट 3, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, अंडर रूट 2 × अंडर रूट 3 × या चपान 2π, ये हो सकता है। मीवल बराबर हो जाएगा 1.414 × 1.732 × H, है ना, तो
यच अपान टू पाई जो भी आएगा यही इसका मान होगा। और हम इसको बढ़ा सकते हैं, मीवल बराबर 1.414 × 1.732 × 6.636 × 10⁻¹⁴ और बटे क्या हो जाएगा 2 × 22/7 या 2 × 3.14। तो इसे आप जब हल करेंगे तो जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो मोमेंट का मतलब, मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है कि जब किसी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा रहता है, अनपेयर में रहता है, तो वह स्प्लिट करता है। जब वह स्प्लिट करता है तो वहां से एक मोमेंटम जनरेट होता है। अगर वह अपनी न्यूक्लियस की प्रति एंगुलर बना रहा हो, सर्कुलर में मोमेंट कर रहा हो, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट जो जनरेट होता है उसके कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले बने हुए हैं। न्यूल इज कल टू अंडर रूट यर एल प्लस वन डॉट एच अपान टू पाई। जब हम केवल ऑर्बिटल मोमेंटम कहते तो हम एच अपान टू पाई को रिमूव कर देते, वहां से हटा देते। बट जब हमने यह कहा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो इससे यह साबित हो रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहा जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें यल इजकल टू मी यल इजकल टू अंडर रूट यल यल प्लस वन डॉट यच अपान टू पाई होगा। तो ये मैंने आपको डी वन सिस्टम का बताया। इसी तरह से बहुत सारे होते हैं, यस वन यस टू यस थ्री पी वन पी टू पी थ्री है ना, डी वन डी टू डी थ्री, ये बहुत सारे होते हैं। मैं बारी बारी से सारे सिस्टम को आपको दिखा दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके डी टेन तक कैसे किया जाता है और हम कैसे इसको जानते हैं। जब पेयर में इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कैसे निकालेंगे, इसको आप राइट कर लीजिए। अब बारी बारी से मैं आपको सिस्टम दिखा रहा हूँ। जैसे मान करके चलिए कि यदि डी वन सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम आपका क्या दिया है डी वन, तो डी वन सिस्टम में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, है कि नहीं। अभी जो मैंने हल किया है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है कि नहीं, किस सिस्टम में आपका डी वन सिस्टम में। तो मी एल बराबर अंडर रूट यल यल प्लस वन डॉट या चपान टू पाई हो गया ना। तो आपको यह देखना है सिस्टम कौन सा आपने बोला है, डी वन बोला है तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो डी वन का मतलब ये हो गया, प्लस टू प्लस वन जीरो, माइनस वन माइनस टू हो गया, तो यल बराबर यहाँ पे क्या आएगा प्लस टू, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके सामने जो डिजिट होगा वही उसका डिजिट ये हो जाएगा, तो यल बराबर क्या हो गया प्लस टू। तो अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, मीगल निकालेंगे, तो न्यू यल बराबर अंडरवुड यल यल प्लस वन डॉट या चपान टू पाई होगा ना, ये हो जाएगा। तो अब आप करेंगे क्या, इसके लिए ये देखिएगा, अभी जो निकाला गया था तो मी यल बराबर आपने क्या किया अंडरवुड टू और टू प्लस वन है ना, या चपान टू पाई,
तो मी एल बराबर अंडर रूट टू थ्री डॉट एच अपन टू पाई। तो मी एल बराबर अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री इंटू एच अपन टू पाई न। और मी एल बराबर क्या होगा, 1.414 गुणते 1.732 गुणते 6.636 गुणते 10⁻¹⁴ बटे 2 गुणते 3.14। तो आप इसे हल करेंगे, आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वही इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो और सिस्टम भी देख सकते हैं आप, इसको भी देख सकते हैं। जैसा मान लीजिए सिस्टम आपका क्या हो गया, D2 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये कैसे निकालेंगे हम। तो आपको यह देखना होगा कि D2 जो है वो कितना है, L की वैल्यू ना 1, 2, 3, 4, 5 तो +2, +1, 0, -1, -2 तो 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ और एक यहाँ। तो L बराबर क्या होगा, +2, +1 तो L बराबर क्या हो जाएगा, +3 L बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना। तो मी एल बराबर अंडर रूट एल एल प्लस वन डॉट एच अपन टू पाई, ये तरीका होगा। तो मी एल बराबर अंडर रूट थ्री थ्री प्लस वन डॉट एच अपन टू पाई। तो मी एल बराबर अंडर रूट थ्री ये आपका 4 हो गया डॉट एच अपन टू पाई न। तो मी एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट 12 डॉट एच अपन टू पाई। तो आप इसे हल करेंगे मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट के रूप में। तो सबसे पहले आप यह देखिए L कैसे निकलता है। तो L का मतलब होता है कि वो जिसमें है वो उसके सामने कौन सी डिजिट है उसी को रख करके हम निकाल लेते हैं, राइट। अब जैसे आपको निकालना हो D3 का, D3 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये निकालना हो जैसे आपको, तो आप सबसे पहले ये कर लेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 +2, +1, 0, -1, -2 D3 1, 2 और 3 ये आपका D3 हो गया। अब इसमें करेंगे क्या कि ये आपका DXY DYZ DZX DX2Y2 और ये आपका DZ2। अब देखिए करते क्या है, +2, +1 हो गया तो L बराबर क्या हो जाएगा, +2, +1 तो L बराबर +3 L बराबर क्या आ गया, +3 आ गया। तो अब आप करेंगे क्या, मी L बराबर अंडर रूट L L प्लस वन डॉट एच अपन टू पाई।
ना, तो फिर म्यूल बराबर अंडर रूट आपका हो जाएगा 3, 2 और 3 हो गया 3, 3 प्लस 1, क्योंकि वहाँ पे 0 है, और डॉट क्या हो गया अपन 2π, तो म्यूल बराबर अंडर रूट 3, 4 डॉट यस अपान 2π, म्यूल बराबर अंडर रूट 12 डॉट यस अपान 2π। तो आप मैथमेटिकली वैल्यू रख करके मान निकाल लीजिएगा। ठीक, जैसे आपका सिस्टम यदि D4 दिया हो, क्या दिया हो, D4 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ना, सिस्टम आपका D4 दे रहा हो, कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें यह कह रहा हो कि आप उसके D4 का निकालिए, उसमें D4 सिस्टम आ रहा है, उसमें आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि जो D4 होगा उसे आप इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा ये, और यहाँ पर +2, +1, 0, -1, -2 दिखाएंगे। DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2, तो 1, 2, 3 और 4 ये दिखाएंगे। तो मीन एल बराबर अंडर रूट एल, एल प्लस 1 है ना, 1 चल रहा है डॉट यच अपान 2π। तो अब यहाँ पे आप एल प्राप्त करिए, तो एल आप कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके सामने कौन सी डिजिट है 2, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके सामने कौन सी डिजिट है 1, यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिट क्या है 0, तो जब यह 1 है इसके सामने कौन सी डिजिट है 2, तो +2, यहाँ 1 है तो इसके सामने कौन सी डिजिट है +1, तो +1, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है डिजिट क्या है भाई 0 है 0, फिर 1 है डिजिट क्या है -1, तो यहाँ पर +1, -1 एक दूसरे से क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या +2 बच रहा है, क्या +2 बच रहा है। तो आप यहाँ पे कहेंगे म्यूल बराबर अंडर रूट एल, एल प्लस 1 डॉट एच अपान 2π ना, तो म्यूल बराबर अंडर रूट ये 2 आ गया और 2 प्लस 1 डॉट एच अपान 2π, तो म्यूल बराबर अंडर रूट 2 और यहाँ क्या गया 3 डॉट एच अपान 2π। तो इस तरह से यह 6 हो जाएगा, या जो भी हो आप इसे कैलकुलेट करके पूरी तरह से नीचे तक हल करके लाते हैं, वहीं इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। यहाँ पे हो क्या सकते, चले ठीक है तो राइट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखते क्या है कि जो आपको वैल्यू रहती है यहीं से आप क्लियर कर लीजिए, वहीं यल वैल्यू प्राप्त कर लिया करिए। यल की वैल्यू प्राप्त करने के बाद इसमें रख लिया जाता है और रखने के बाद कैलकुलेट किया जाता है, वहीं उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे D5 सिस्टम हो आपका, D5 और कैलकुलेटर करना हो आपको, कैलकुलेट करना हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऐसे करना हो
D5 सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D5 देखेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5, दैट इज +2 +1 0 -1 -2, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2, 1, 2, 3, 4 and 5 ना। अब यहाँ पर आप L निकालेंगे, तो L बराबर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो एक के सामने क्या लिखा हुआ है, 2, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, +2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसके सामने क्या लिखा है, +1, इसलिए मैंने क्या कर दिया, +1, ये कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके सामने क्या वैल्यू है, 0, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 0, फिर आप देखिए प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने कौन सी वैल्यू है, -1, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -1, तो आपने क्या किया, -1, फिर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने भी क्या है, -1, तो ये क्या हुआ, -2, तो ये क्या हुआ, -2, तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो L बराबर क्या वैल्यू होगी, 0, L बराबर क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी ना। तब आप निकालेंगे L बराबर अंडर रूट L L प्लस 1 डॉट यस अपान 2 पाई, तो L बराबर अंडर रूट 0 0 प्लस 1 डॉट यस अपान 2 पाई, तो L बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम मान रखते हैं, हम D10 तक सिस्टम लेकर के जाएंगे क्योंकि इस पर आता है। जैसे आपको पूछ लिया D6 का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्या पूछ लिया, D6 का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे पूछ लिया ना, ये तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो D6 है उसका ये निकालेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5 +2 +1 0 -1 -2 DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग तरीका होता है L का, देखिए कैसे, L बराबर आपका हो गया, यह एक इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इसके सामने क्या है, +2 +2, फिर यह दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने क्या है, +2 +2, ऐसे होता है। अब यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सामने क्या है, +1, तो आप +1 कर दीजिए, फिर यह आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने क्या है, 0, तो आप 0 कर दीजिए, फिर आपका यह एक इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने आप -1 कर दीजिए, फिर आपका यह एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सामने -2 कर दीजिए, तो L बराबर होगा 1, 2 से 1, 2 कैंसिल और 1, 1 से 1, 1 कैंसिल, बचा क्या, 2, तो L बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, इसको देखिए, तो L बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट L L प्लस 1 डॉट यच अपान 2 पाई, तो L बराबर अंडर रूट 2 2 प्लस
वन डॉट एच अपान टू पाई, तो मी एल बराबर अंडर रूट टू थ्री डॉट एच अपान टू पाई, मी एल बराबर अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री इंटू एच अपान टू पाई, तो मी एल बराबर 1.414 से 1.732 गुड़ते 6.636 गुड़ते 10^-34 बटे 2 गुड़ते 3.14। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर होगा ना? राइट। अब आगे देखिए, जैसे डी सेवन आ गया आपका, है ना, डी सेवन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये निकालने के लिए आ गया। तो आज सबसे पहले क्या करेंगे, ये वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कर लीजिए, ना फोर एंड फाइव चालू तो है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, प्लस टू प्लस वन जीरो, माइनस वन माइनस टू, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ना? अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो एल बराबर, यह एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके सामने प्लस टू, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी प्लस टू, इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस वन, और इस भी इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस वन, इसके लिए जीरो, और इसके लिए माइनस वन, और इसके लिए माइनस टू, ना? तो एल बराबर, ये इनसे गया, इनसे इनसे गया, ये इनसे गया, ना? तो दो और एक तीन, तो एल की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, तीन। एल नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है या फिर जीरो, ये मैं पहले भी लिखवा दिया हूँ। तो मी एल बराबर अंडर रूट एल एल प्लस वन डॉट एच अपान टू पाई, तो मी एल बराबर क्या हो जाएगा, तीन तीन धन एक यानी प्लस एच अपान टू पाई, तो मी एल बराबर क्या हो जाएगा, तीन और तीन और एक चार डॉट एच अपान टू पाई, तो मी एल बराबर क्या हो गया, ट्वेल्व हो जाएगा डॉट या चपान टू पाई। तो ये इसका डी सेवन सिस्टम का क्या रहा भाई, एंगुलर मोमेंटम। तो यह एक इलेक्ट्रॉन था, इसके लिए मैंने क्या किया, प्लस दो, फिर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए पुनः प्लस दो लगा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज में है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है इसके लिए क्या कर दिया, प्लस एक, फिर यहाँ पर था ये, इसके लिए भी क्या कर दिया, प्लस एक, यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो, यहाँ पे माइनस एक और यहाँ पे माइनस दो, तो प्लस दो माइनस दो क्या हो गया, कैंसिल हो गए, प्लस एक माइनस एक क्या हो गया, कैंसिल, ये हो गया दो और एक तीन, ये आ गया। अब उसके बाद मैंने ये कर दिया, है ना, मी एल इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस वन डॉट एच अपान टू पाई कर दिया,
तो मी एल बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 3 3 + 1 डॉट एस अपन 2π, तो मी एल बराबर ये हो गया और ये आ गया, राइट राइट कर लीजिए। अब इसके बाद होता क्या है D8 सिस्टम का, D8 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड डी एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो D8 हो गया ना, क्या हो गया D8। L की वैल्यू प्राप्त करनी है तो L बराबर हो जाएगा आपका, ये देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस टू ना, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस टू ना, प्लस इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस वन, फिर प्लस इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस वन, तो आपने किया प्लस वन ना, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए जीरो, आपने जीरो किया, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए जीरो, फिर आपने इसके लिए भी क्या किया जीरो किया ना, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1, आपने क्या किया -1, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए -2, आपने क्या किया -2, तो इस तरह से हो गया ना। अब -1 से +1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल हो गया, तो L बराबर क्या आ गया +2 + 1 तो +3 हो गया। और हमने आपसे बताया था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या बताता है, पॉजिटिव साइन या फिर जीरो, नेवर विल बी नेगेटिव, वह नेगेटिव कभी नहीं होता है ना होगा। अब यहाँ पर L बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस वन डॉट यस अपान 2π, तो मील बराबर अंडर रूट 3 3 + 1 यस अपान 2π ना, इस तरह से, तो मील बराबर अंडर रूट 3 और 4 डॉट यस अपान 2π, तो मील बराबर अंडर रूट 12 ईच अपान 2π। ये D8 सिस्टम का था, किसका है ये D8 का है ना, राइट। अब आप D9 का देखिए, D9 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ना, किसका देखेंगे D9 का, तो देखिए कैसे देखते हैं हम लोग इसको, तो आप ऐसे कर लीजिए ठीक, 1 2 3 4 एंड 5,
प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ना। तो ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ठीक है नौ हो गया डी नाइन सिस्टम हो गया। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग कि चलिए ठीक है यल की वैल्यू प्राप्त करते हैं यल। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे प्लस टू, तो प्लस टू कर दीजिए। फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी प्लस टू, फिर प्लस टू कर दीजिए ना। इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस वन कर दीजिए ना। फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस वन करिए, ऐसे यही है आपका मेन। फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप जीरो कर दीजिए जीरो, और इस भी इलेक्ट्रॉन के लिए जीरो करिए जीरो कर दिए ना। फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस वन कर दिया, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी माइनस वन कर दिया, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे माइनस टू कर दिए। ये रहा तरीका। तो माइनस टू से प्लस टू कैंसिल हो गया, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया। तो यल बराबर क्या आ गया टू, क्या आ गया टू यानी प्लस टू पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। तो म्यू एल बराबर अंडर रूट यल यल प्लस वन डॉट एच अपान टू पाई, ठीक है डी नाइन सिस्टम था भाई। तो फिर म्यू एल बराबर अंडर रूट टू टू प्लस वन डॉट एच अपान टू पाई। तो म्यू एल बराबर अंडर रूट टू और दो और एक तीन डॉट एच अपान टू पाई। तो म्यू एल बराबर अंडर रूट सिक्स डॉट एच अपान टू पाई, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका म्यू एल बराबर क्या हो गया अंडर रूट सिक्स डॉट एच अपान टू पाई ना। तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम किसका रहा डी नाइन का। अब एक आपका डी टेन होता है, फिर और कुछ एग्जांपल कॉम्प्लेक्स के रूप में लेकर के आपको समझाते हैं राइट। अब डी टेन का देख लीजिए, डी टेन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डी टेन का ना। वन टू थ्री फोर एंड फाइव प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ना। और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ठीक है। अब इसके लिए भी देखिए यल की वैल्यू क्या हो जाएगी ना। तो इसके लिए भी हमने क्या किया प्लस टू प्लस टू, इसके लिए भी ऑलरेडी आ, इसके लिए भी प्लस टू प्लस टू,
और इसके लिए प्लस वन, इसके लिए प्लस वन, और इसके लिए भी प्लस वन, इसके लिए भी प्लस वन, इसके लिए आप जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी आपको जीरो, इसके लिए भी आपके लिए जीरो, इसके लिए भी आप माइनस वन, इसके लिए भी आप माइनस वन ना, इसको देखिए, इसके लिए माइनस वन, इसके लिए भी माइनस वन, और इसके लिए माइनस टू, इसके लिए माइनस टू, और इसके लिए भी माइनस टू, तो इसके लिए भी माइनस टू। तो ये तरीका रहा आपका। तो माइनस टू से प्लस टू कैंसिल, माइनस टू से प्लस टू कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो बराबर क्या बचा? जीरो ना। एल बराबर क्या हो गया? जीरो। तो मी एल बराबर अंडर रूट एल एल प्लस वन डॉट एच अपान टू पाई है कि नहीं? एच अपान टू पाई। तो मी एल बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट जीरो, जीरो प्लस वन डॉट एच अपान टू पाई। तो मी एल बराबर क्या हो गया? जीरो। मी एल बराबर क्या हो गया? जीरो। तो ये तरीका होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको आप ऊपर से देखेंगे कि ऑलरेडी उसमें किस तरह का क्या वैल्यू उसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर आ रहा है, तो उसी वैल्यू के सहारे, एजीमुथल क्वांटम नंबर के ही सहारे हम इसका पूरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करेंगे। राइट। जैसे कुछ एग्जांपल के रूप में उसने पूछ लिया के फोर एफ ई सी एल का फोर सिक्स। क्या पूछ लिया? के फोर एफ ई सी एल का फोर सिक्स ऐसे उसने पूछ लिया। तो आप इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? और कहा कि इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करिए। तो उसने क्या कहा? के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका डिटरमाइन कीजिए। तो आप कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले आप इसको तोड़ेंगे, 4k प्लस एफ ई सी एन का होल सिक्स फोर माइनस में। कैसे तोड़ेंगे आप? 4k प्लस एफ ई सी एन का होल सिक्स फोर माइनस में। तो यहाँ 4 प्लस और यहाँ 4 माइनस, मैंने तोड़ दिया। अब इसमें हमको निकालना का हो गया कि इसकी क्या सिस्टम होती है। क्या निकालेंगे हम? इसका क्या सिस्टम होता है? तो इसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यानी हमने यहाँ प्राप्त किया एफ ई सी एन का होल सिक्स फोर माइनस, तो एक्स प्लस सिक्स माइनस वन इक्वल माइनस फोर, एक्स प्लस माइनस से माइनस सिक्स इजकल टू माइनस फोर, तो एक्स इजकल टू माइनस फोर प्लस सिक्स। तो आपने क्या प्राप्त किया? एक्स इजकल टू प्लस टू ना। क्या प्राप्त हुआ? एक्स इजकल टू प्लस टू, यानी 26 एफ ई जो है उसके ऊपर क्या आएगा? 26 एफ ई प्लस टू आएगा। अब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना शुरू किया, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2
3P6 4S2 3D6 20 था 26, बट यहाँ पे चार ऊर्जा स्तर है, यहाँ पे दो रिमूव हो रहा है, तो यहाँ से निकाल देंगे तो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D6 4S0 ना, क्या हो गया 4S0। अब उसके बाद आर्गन ये हो जाएगा और यहाँ पे 3D6। तो सिस्टम हमें क्या प्राप्त हुआ, 3D6। तो जैसे ही सिस्टम 3D6 प्राप्त हुआ, हम यहाँ पे खाने बनाएंगे, ठीक, 1, 2, 3, 4 और 5 ये खाने बना के 1, 2, 3, 4, 5, 6, +2, +1, 0, -1, -2। अब हम यहाँ पे L निकालेंगे, तो इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए +2, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए +2, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए +0, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए -2, -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो L बराबर +2। L बराबर क्या हो गया, +2। μL बराबर अंडर रूट L L प्लस वन डॉट एस अपॉन 2π। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 + 1 डॉट एस अपॉन 2π बराबर आपका 2 अंदर 3 डॉट एस अपॉन 2π। तो ये आपका μL आ गया। तो ये तरीका होता है, जो भी आपको दिया रहेगा सबसे पहले आप उसकी सिस्टम निकालेंगे, सिस्टम निकालने के बाद आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके, तो सिस्टम प्राप्त होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तब आप इसमें रखेंगे और इसमें रखने के बाद तब आप उसका कैलकुलेशन करेंगे और आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्राप्त हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक प्रकार का एजीमुथल क्वांटम नंबर 2L+1 के सहारे निकाला जाता है। बात यहाँ पर यह आती है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ही है जिसे यह से डिनोट किया जाता है, और यह किस ऊर्जा स्तर में कौन से इलेक्ट्रॉन है उस पर, और इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती। तो आज मैंने आपको डिटेल जानकारी दिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मान लीजिए मैंने आपको पूरा D1 से लेकर के D10 तक एक्सप्लेन किया, और हमने आपको यह भी बताया कि सिस्टम अगर उसने दिया है तब तो ठीक है, बट अगर सिस्टम नहीं दिया है, कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो आपको सिस्टम तक पहुंचना होगा। ये कोई कॉम्प्लेक्स दिया है तो आपको सिस्टम तक पहुंचना होगा, और पहुंच करके सिस्टम निकालना होगा, और सिस्टम निकाल करके तभी ही आप इसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर के सहारे उसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे, तब जा करके आप उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम μL √LL+1 डॉट h/2π कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर के आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू प्राप्त होगी। अगर यदि वहां से h/2π हम हटा दें तो यह केवल केवल ऑर्बिटल मोमेंटम बोला जाएगा, ना कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बट जैसे ही h/2π हो लग जाता है तो वहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाता है।
राइट कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के रूप में आएंगे और उसको भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। ओके थैंक्स, जय हिंद जय भारत।